गोवे और आई विल स्क्रीम, इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए. गो अवे और आई विल स्क्रीम. चेंज कीजिए आप. आपको चेंज करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, और लगा हुआ है तो और को देखते हैं, आपको इसको नेगेटिव में चेंज कर देना. इंपेरेटिव क्लोज को किस में चेंज कर दीजिए आप, नेगेटिव में. ये क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट और फिर आगे ऐसे ऐसे लिख दीजिए गो अवे और की जगह कॉमा लगा दीजिए और लिख दीजिए आई विल स्क्रीम. यदि आप दूर नहीं जाओगे तो मैं चिल्लाऊंगा. अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. ओके चलिए आप इसको आप कंपाउंड में चेंज कीजिए. इफ यू डोंट गिव मी सम मनी आई विल शूट यू. If you don't give me some money, I'll shoot you. Give me some money. Or? Or I will shoot. बिल्कुल सही है. Give me some money or I'll shoot you. Give me some money. और आई विल शूट यू. ओके हो जाएगा अब ऐसा. इज देयर एनी प्रॉब्लम, लेट्स सी नेक्स्ट. शुड यू प्रोसीड नाउ, वी टेक अप द नेक्स्ट वन. नॉर, देखिए नॉर का क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है वो कॉमन एरर्स में दिया जाता है. ठीक है, कॉमन एरर्स में दिया जाकर के ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है, जैसे ये सेंटेंस देखिए यार, विच इज करेक्ट. आपको पहचानना है इनमें से गलत सही कौन सा है. ही लाइक्स मैंगोज. नॉर एप्पल्स. ही डज नॉट लाइक मैंगोज. Nor he likes apples. He likes mangoes. Nor he likes apples. D option is none. You try to find out which is the correct option. He likes mangoes nor apples. He does not like mangoes nor he likes apples. He likes mangoes nor he likes apples. None. Should we proceed? Should we? See, इस सेंटेंस में आपको ये देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आपको नोर का सही प्रयोग आना चाहिए. देखिए नोर के यूज के बारे में क्या है, पहली रिक्वायरमेंट कि जिस क्लोज में आप नॉर यूज कर रहे हैं उसके पहले वाला क्लोज नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, नॉर से ठीक पहले वाला क्लोज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. नंबर टू, नॉर के तुरंत बाद में अगर आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, नॉर के बाद अगर सब्जेक्ट है तो नॉर और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. गॉट द पॉइंट. दो चीज़ें आपको नोट करनी है. पहली चीज़, नॉर से पहले वाला क्लोज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. और नॉर के बाद अगर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो बीच में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. तो देखिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, देखिए आप यहाँ आपने नॉर यूज किया लेकिन नॉर से पहले वाला क्लोज पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और दैट्स वाई फर्स्ट ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट. बी ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन क्लोज जो है नेगेटिव है लेकिन नॉर के बाद में आपने सब्जेक्ट यूज किया, बीच में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की, इसलिए गलत हो गया. तीसरा ऑप्शन देखिए आप, यहाँ आपने पॉजिटिव यूज किया, नॉर से पहले वाला क्लोज पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, और देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नॉट. गॉट द पॉइंट. शुड वी प्रोसीड. चलिए अब इसको सही कैसे करना है देखिए, तो पहले दो चीजें ध्यान रखनी है कि नॉर से पहले वाला क्लोज नेगेटिव होना चाहिए. नॉर से पहले वाला क्लोज नेगेटिव होना चाहिए
और दूसरी बात नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। तीसरी बात, आप सीधा नॉर के बाद में ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप उस सेंटेंस को सही करना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स नॉर मैंगोज। मैंने उल्टा लिख दिया, उसमें एप्पल्स की जगह मैंगोज कर दिया, मैंगोज की जगह एप्पल्स। He does not like apples nor mangoes. He does not like apples nor does he like mangoes. आपको इस दो तरीके से, इन दो तरीकों से आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। देखिए आप पहले सेंटेंस में तो ये नेगेटिव हो गया, पहले क्लॉज नेगेटिव है, और दूसरे क्लॉज में देखिए आप नॉर के बाद सीधा ऑब्जेक्ट यूज कर दिया हमने, और इस सेंटेंस में नॉर के बाद ये सब्जेक्ट आ रहा, तो बीच में अपन ने क्या इंसर्ट कर दिया, हेल्पिंग। ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक्स के हों, SSC के हों, या फिर कोई RPSC के एग्जाम्स हो, फ्रीक्वेंटली आता है। Should we proceed? Now we take up the next coordinator, that is but. It's used to express contrast or defeated expectancy. आशा के विपरीत परिणाम, जो आप सोचते हैं उसका उल्टा हो जाए, इन दोनों चीजों के लिए हम बट यूज करते हैं। ओके, जैसे He is poor, but he is happy. He is poor, but he is happy. गरीब है लेकिन खुश है। कॉन्ट्रास्ट है ना, गरीबी में आदमी खुश कहाँ होता है, लेकिन वो गरीब है लेकिन खुश है। ठीक है, He is the fastest runner. वह सबसे तेज दौड़ने वाला है। और उससे उम्मीद क्या करते हैं आप, सबसे पहले आए, सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, बट ही केम लास्ट, लेकिन वो सबसे अंत में आया। आशा के विपरीत हो गया ना, जैसा सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। इन दोनों के लिए हम बट यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट हो करना हो, या आपकी एक्सपेक्टेंसी के अगेंस्ट में कुछ हो जाए। शुड वी प्रोसीड? अब देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन था, शीज kind, generous. Dull, dishonest. She is honest, intelligent. She is pretty, dishonest.
आपको एंड और बट में से यूज करना है. शी इज काइंड जनरस, शी इज डल डिसऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट इंटेलिजेंट, शी इज प्रीटी डिसऑनेस्ट. फर्स्ट में क्या यूज करें अपन, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में. सी एक्चुअली एंड और बट में कैसे डिफरेंस करते हैं, अगर आप दो नेगेटिव क्वालिटीज को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, बुराई को बुराई से जोड़ रहे हैं तो आप एंड यूज करते हैं. जब आप अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ से जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव क्वालिटी को पॉजिटिव क्वालिटी से जोड़ रहे हैं, तो भी आप एंड यूज करते हैं. बट यूज कब करते हैं, जब एक तरफ पॉजिटिव क्वालिटी हो और दूसरी तरफ नेगेटिव क्वालिटी हो. ठीक है, देखिए काइंड और जनरस दोनों ही पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, दयालु है, उदार है, दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज है, और इसलिए क्या यूज करेंगे अपन, एंड. शी इज काइंड एंड जनरस, राइट, शी इज काइंड एंड जनरस. डल, डल का मतलब समझते हैं, कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है. और डिसऑनेस्ट, नेगेटिव है. दोनों नेगेटिव क्वालिटीज हो तो भी अपन क्या यूज करेंगे, एंड. शी इज डल एंड डिसऑनेस्ट, गॉट इट. तीसरा सेंटेंस देखिए, शी इज ऑनेस्ट इंटेलिजेंट, कैसी क्वालिटीज है दोनों, दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज, ठीक है, ईमानदार और होशियार है, तो हम इसमें भी क्या यूज करेंगे, एंड. फोर्थ सेंटेंस आप देखिए, शी इज प्रीटी, प्रीटी का मतलब ब्यूटीफुल, और डिसऑनेस्ट. अब आप देखिए, एक पॉजिटिव क्वालिटी है और दूसरी नेगेटिव क्वालिटी, तो अगर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, तभी तो कॉन्ट्रास्ट होगा, और इसलिए अपन क्या यूज कर देंगे उसमें, बट. गॉट द पॉइंट. तो फोर्थ सेंटेंस में बट आएगा, बाकी फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस में एंड का प्रयोग करेंगे. शुड वी प्रोसीड नाउ. नेक्स्ट देखिए बात, येट ऑब्लिक स्टिल, इनका प्रयोग हम कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन के लिए करते हैं. अब तो आप कंसेशन का मीनिंग तो जानते ही, कंसेशन क्या होता है, कंसेशन अपन पढ़ चुके हैं, कंसेशन मॉडल्स में पढ़ा था अपन ने कंसेशन, और तो मैंने आपसे बताया था कि कंसेशन का मतलब बस कंसेशन नहीं है, रिबेट के लिए नहीं है ये, कंसेशन है इसके बावजूद, ऐसा होने के बावजूद भी. आपको याद हो तो अपन एक सेंटेंस लिखा था, ही मे बी माई बॉस बट इट डज नॉट मीन दैट ही इज बेटर देन मी. तो देखिए कॉन्ट्रास्ट से कंसेशन के लिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प यू, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. आप सेंटेंस पढ़िए, आपको कुछ समझ आएगा. आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इसके बावजूद में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. आपको सही समझ में आ रहा है ना, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसके बावजूद भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम येट और स्टिल में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. इस यूज में दोनों इंटरचेंजेबल है, आप येट भी कर सकते हैं और आप स्टिल भी कर सकते हैं. देखिए सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, She missed the bus. She managed to reach on time. उसकी बस मिस हो गई थी, उसकी बस मिस हो गई थी, इसके बावजूद भी शी मैनेज टू रीच ऑन टाइम, बस समय से पहुंच गई. ठीक है, ऐसा हो गया, इसके बावजूद भी ये हुआ, तो फिर अपन क्या यूज करेंगे, येट और स्टिल. ठीक है, शी मिस्ड द बस, येट शी मैनेज टू रीच ऑन टाइम. शुड वी प्रोसीड, प्रोसीड करें अपन. Now see, so. देखिए आपके सेंटेंस में कॉज दिया हुआ है, तो सो का यूज करके आप उसका इफेक्ट बता दें. कोई रीजन दिया हुआ है, आप सो यूज करके उसका रिजल्ट बता दें.
he is on leave. वो ठीक नहीं है, अस्वस्थ है और इसलिए वो छुट्टी पर है. She felt uneasy. She left early. उसको कुछ अनइजी फील हो रहा था और इसलिए वो जल्दी चली गई. He is unwell. He is on leave. She felt uneasy. She left early. ठीक है, आपको लग रहा है ना कि इसका परिणाम ही है, रिजल्ट आगे दिया हुआ है और इसलिए अपन क्या यूज करेंगे. सो ओके, शुड वी प्रोसीड नाउ. नेक्स्ट अब हमारे सामने ये वर्ड्स है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड. इन चारों को एक टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है इन चारों के लिए, दैट इज पेयर्ड कॉरिलेटिव्स. इन्हें पेयर्ड कॉरिलेटिव्स कहते हैं, पेयर्ड कॉरिलेटिव्स. ये चारों ही पेयर्ड कॉरिलेटिव्स कहलाते हैं. अच्छा, क्यों कहलाते हैं? बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि ये हमेशा पेयर में काम आते हैं. आइदर के बाद और आएगा, नाइदर के बाद नॉर आएगा, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा, बोथ के बाद एंड आएगा. चूंकि ये पेयर्स में काम आते हैं इसलिए इनको पेयर्ड कॉरिलेटिव कहते हैं. गॉट इट? देखिए, जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, शी बॉथ वॉश्ड एज वेल एज ड्राइड द यूटेंसिल्स. She both washed as well as dried the utensils. She both washed as well as dried the utensils. She both washed as well as dried the utensils. Got it? Well, see, what do you think about this sentence? Is it correct? She both washed as well as dried the utensils. सही है, गलत है? गलत है. क्यों गलत है? देखिए, जब आप both यूज कर रहे हैं तो both के बाद कभी भी as well as नहीं आएगा. यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? And. बस यही paired correlatives की बात है कि जब आपने both यूज किया तो understood है कि इसके बाद में and आएगा. ठीक है, should we proceed? Now see the next. आप note down कीजिए, either the gunman's decision is just or unjust. He neither takes tea nor coffee. He is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it. It is neither good for the center nor for the state. Look at these four sentences. Either the government's decision is just or unjust.
He neither takes tea nor coffee. He is anxious not only to acquire knowledge, but also eager to display it. It is neither good for the center nor for the state. Okay? तो देखिए आप इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस आपको गलत लग रहे हैं, कोई है इनकरेक्ट इनमें से? चलो देखो, आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? चलो देखो अपन देखते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए इन पेयर कॉरिलेटिव को, बीच में आप देख रहे हैं डैश लगा हुआ है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड, गॉट इट? देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये पेयर कॉरिलेटिव जो भी है इनके दो पार्ट्स हैं, एक आइदर है दूसरा नाइदर, एक आइदर है दूसरा और है, एक नाइदर है दूसरा नॉर है, एक नॉट ओनली है दूसरा बट ऑल्सो है, एक बॉथ एंड है, बॉथ है और दूसरा एंड है। देखिए रूल ये है कि जैसा पार्ट ऑफ स्पीच पहले पार्टिकल के बाद में यूज करते हैं, आइदर के बाद में आपने अगर नाउन यूज किया है तो और के बाद में भी नाउन होना चाहिए, अगर आपने नाइदर के बाद में वर्ब यूज किया है तो नॉर के बाद भी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। ये पेयर कॉरिलेटिव्स के खास बात है कि इनके बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, गॉट द पॉइंट? अगर आपने सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यूज नहीं किए तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे इनकरेक्ट हो जाते हैं। देखिए मैंने आइदर के बाद में आपने नाउन यूज किया और के बाद में आपने अनजस्ट यूज किया जो कि एडजेक्टिव होता है, मिसमैच हो गया नहीं? देखिए नाइदर के बाद आपने वर्ब यूज किया और नॉर के बाद में आपने नाउन यूज कर दिया, गलत हो गया। इस सेंटेंस में देखिए आप नॉट ओनली के बाद में आपने टू एक्वायर वर्ब यूज किया और बट ऑल्सो के बाद में आपने ईगर यूज किया जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, गलत हो गया। आप इधर देखिए नाइदर के बाद में आपने एडजेक्टिव यूज किया और नॉर के बाद में आपने प्रीपोजिशन यूज कर दिया, हैव यू गॉट द पॉइंट? समझ रहे हैं ना आप कि इन पेयर कॉरिलेटिव्स के बाद सेम टाइप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आते हैं, जैसा पार्ट ऑफ स्पीच पहले एलिमेंट के बाद में वैसा ही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे एलिमेंट के बाद में आना चाहिए, हैव यू गॉट द पॉइंट? तो नीचे लिखिए आप, we use the same part of speech after each element of these paired correlatives. We use the same part of speech after each element of these paired correlatives. ठीक है, मतलब आइदर के बाद यदि आपने वर्ब यूज किया है तो और के बाद भी आपका वर्ब होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नाइदर के बाद नाउन यूज किया है तो नॉर के बाद भी नाउन होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, गॉट इट? तो वो जो सेंटेंसेस अभी अपने देखे तो उनको सही करना, कि उनको करेक्ट कैसे करेंगे, प्रोसीड करें अपन? चलो देखो उनको करेक्ट करते हैं अपन। देखिए पहला सेंटेंस, इस आइदर को यहां से उठाओ और इस आइदर को यहां रख दो, यहां से हटा दो। अब आप सेंटेंस को बोलो, द गवर्नमेंट्स डिसीजन इज आइदर जस्ट और अनजस्ट। तो आइदर के बाद भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और के बाद भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। द गवर्नमेंट्स डिसीजन इज आइदर जस्ट और अनजस्ट, इज इट ओके? सरकार का निर्णय या तो उचित है या अनुचित है, दोनों तरफ एडजेक्टिव हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, ही नाइदर टेक्स टी नॉर कॉफी, कैसे करें इसको सही अपन? बिल्कुल, इस नाइदर को यहां से हटाओ और यहां टी के पहले लिख दो, ही टेक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, अब दोनों के बाद ही नाउन हो गया। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही इज एंग्जियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। आप इस नॉट ओनली को यहां से उठा करके यहां रख दो, ही इज नॉट ओनली एंग्जियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट,
तो देखिए नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव हो जाएगा और बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव. इस सेंटेंस को देखिए आप, इट इज नाइदर गुड फॉर द सेंटर नॉर फॉर द स्टेट. क्या करें इसके लिए अपन, इस नाइदर को यहां से हटाकर यहां रख दो. इट इज गुड नाइदर फॉर द सेंटर नॉर फॉर द स्टेट. इट इज गुड नाइदर फॉर द सेंटर नॉर फॉर द स्टेट. इज इट ओके? इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्रोसीड करें अपन. चलो नेक्स्ट देखिए. Look at this sentence. Because of some urgent work, both Ram and Shyam will not go there. देखिए इस तरह का सेंटेंस यूपी गवर्नमेंट के ग्रेड टू के एग्जाम में पूछा हुआ है और आरपीएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है. सेम प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम के साथ ये सेंटेंस पूछा हुआ है. अब देखिए इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम लगता है आपको. बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क बोथ राम एंड श्याम विल नॉट गो देयर. व्हाट्स द प्रॉब्लम इन विद दिस सेंटेंस? बहुत एंड तो साथ ही आते हैं ना. सी हम कह रहे हैं कि किसी जरूरी काम की वजह से राम और श्याम दोनों ही वहां नहीं गए, ठीक है, नहीं जाएंगे, राइट. तो देखिए इसमें डिस्ट्रैक्टर ये है कि स्टूडेंट को कभी कभी ये गलतफहमी होती है कि बिकॉज सेंटेंस के शुरू में नहीं आता और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एरर बता के आ जाते हैं कि बिकॉज सेंटेंस के शुरू में नहीं आना चाहिए. तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ यू यूज बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. बिकॉज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेंटेंस के शुरू में आराम से आ सकता है, राइट. द प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट यूज बॉथ एंड इन ए नेगेटिव क्लॉज. बॉथ एंड का प्रयोग नेगेटिव क्लॉज में नहीं होता है. बॉथ एंड का नेगेटिव करना है तो आपके पास क्या है? नाइदर नॉर, ठीक है. तो ये सेंटेंस यहाँ गलत नहीं है बिकॉज में, ये सेंटेंस कहाँ गलत है? बॉथ एंड के प्रयोग के साथ. सेंटेंस को सही करके लिखेंगे तो क्या करेंगे अपन? बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क Neither Ram nor Shyam will go there. This will be the correct answer. Because of some urgent work, neither Ram nor Shyam will go there. Should we proceed? Okay. Next, take here. Neither the teachers nor the students is or are to blame. You are to choose the correct form of the verb. Either his eyesight or his brakes is or are responsible. For the accident. What should we use? क्या यूज करना चाहिए? इज और आर फर्स्ट में. देखिए जितने भी पेयर्ड correlatives हैं either or, neither nor, not only but also, इन तीनों के साथ ही हम verb यूज करते हैं. verb के पास में जैसा subject होता है उसके according. अपन इस verb को देखते हैं, इसके पास में जैसा subject दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं. देखिए यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल है तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर. इसमें देखिए आप यहाँ ब्रेक्स प्लूरल दिया हुआ है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये भी फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है, रिपीटेडली पूछा हुआ. पुराने पेपर्स देखेंगे SSC बैंक्स एटसेट्रा के तो आपको रिपीटेडली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड सेंटेंसेस. Now we proceed to the next, that is complex sentences. You put up the heading complex sentence. अब ये अपन
जब बिगिन किया था तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो से ज़्यादा क्लॉजेस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस होते हैं, और एक क्लॉज जो होता है वो अनइक्वल रैंक का होता है। ठीक है, जो अनइक्वल रैंक का क्लॉज होता है उसको अपन कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट ओके? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। हम तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमारे पास हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज, दूसरा होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज, और तीसरा होता है उसको हम कहते हैं एडवर्बियल क्लॉज। तीन तरह के रिलेटिव क्लॉज, तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। We have noun clause, relative clause and adverbial clauses. Okay? Should we proceed now? Should we proceed now? चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं noun clause की। You put up the heading noun clause. डेफिनेशन क्या होती है? ए क्लोज दैट फंक्शंस द रोल ऑफ ए नाउन। ए क्लोज दैट फंक्शंस द रोल ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए नाउन क्लोज। ऐसा क्लोज जो सेंटेंस में नाउन का काम करे उसे हम नाउन क्लोज कहते हैं। अगर पूरा क्लोज नाउन का काम कर रहा है तो उसे हम नाउन क्लोज कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्लोज जो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है उसे हम नाउन क्लोज कहते हैं। ठीक है, और एक नाउन क्लोज जो होता है वो सेंटेंस में क्या काम करता है, नाउन क्या क्या काम करता है, वही काम नाउन क्लोज करता है। नाउन सेंटेंस में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम इज वर्किंग, तो राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है और राम नाउन है। नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ही इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नाउन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है, तो नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है और नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो नाउन तीन काम करता है मोटे तौर पर एक सेंटेंस में। इट कैन बी द सब्जेक्ट, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट और इट कैन बी द कॉम्प्लीमेंट। मोटे मोटे तौर पर तीन काम करता है। तो नाउन क्लोज भी तीनों काम कर सकता है। इट कैन बी द सब्जेक्ट, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट और इट कैन बी दी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो जो काम नाउन क्लोज कर सकता, नाउन कर सकता है वही काम एक नाउन क्लोज सेंटेंस में करता है। ठीक है, तो लिखिए आप फंक्शन। क्या फंक्शन करता है ये? फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। देखो ये चीजें समझने की है क्योंकि इस पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, आरएस में तो सीधा पूछते हैं कि आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो वहाँ यह काम आएगा आपका। और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं वो मैं आपको इसके बाद में बताऊँ कि क्या क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेटिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज, वहाँ तो ढेरों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स के, एरर स्पॉटिंग के। ये जो नाउन क्लोज वाला है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने का है और बहुत लंबा छोटा टॉपिक नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक। ठीक है ना, तो नाउन क्लोज जो बेसिकली होता है वो क्या काम करता है सेंटेंस में, ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे मैं सेंटेंस लिखा दैट ही विल कम टुमारो इज सर्टेन, दैट ही विल कम टुमारो इज सर्टेन, कि वो कल आएगा ये निश्चित है। तो आप देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ तक का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है क्लोज है, जहाँ नाउन और प्रोनाउन आ सकता था वहाँ पर अपने क्या यूज किया है, एक क्लोज यूज किया है। ठीक है, तो अगर नाउन को रिप्लेस करने के लिए आपने क्लोज यूज किया तो वो क्लोज कैसा क्लोज कहलाएगा, नाउन क्लोज कहलाएगा। क्योंकि जैसे ये पूरा सब्जेक्ट लिखा दैट ही विल कम टुमारो, आप इसकी जगह पर इट लगा दो, कोई भी नाउन प्रोनाउन लगा दो, इट लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इट इज सर्टेन, सेंटेंस सही होगा कि नहीं होगा, दिस इज सर्टेन,
हो जाएगा ना। तो किसी भी नाउन क्लोज को आप नाउन या प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उस नाउन क्लोज की जगह क्या लगा दो, आप नाउन प्रोनाउन लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली नाउन क्लोज भी तो नाउन प्रोनाउन का ही काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए नाउन क्लोज की जगह पर आप कोई नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो इट कैन बी द सब्जेक्ट। नंबर टू लिखिएगा आप, नाउन क्लोज जो होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट। आई नो दैट ही इज ए स्पाई, मुझे पता है कि वो जासूस है, मुझे पता है कि वह एक जासूस है। आई नो दैट ही इज ए स्पाई। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और दैट ही इज ए स्पाई पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट की जगह क्लॉज लगा रहे हैं, आप दैट ही इज ए स्पाई को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह हर लगा दीजिए, सीता लगा दीजिए, राम लगा दीजिए। आई नो राम, आई नो सीता, ठीक है। आई नो योर स्कूल, आई नो योर कॉलेज। तो सेंटेंस सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप क्लोज को नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए नंबर थ्री होता है कि ये एज ए कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लोज सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव एनी मनी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो देखिए ये तो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और बी वर्ब के बाद ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। बी वर्ब के बाद ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो तीन काम कर सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। शुड वी प्रोसीड नाउ, प्रोसीड करें अपन। चलिए नेक्स्ट बात ये कि ये तो अपने को पता चल गया कि नाउन क्लोज किसे कहते हैं। आप समझ गए कि ऐसा क्लोज जो कि नाउन का काम करते हैं करता है उसे अपन नाउन क्लोज कहते हैं। तो ये तो समझ में आया किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया कि इसका फंक्शन क्या होता है। तीन बातें हैं भाई कि सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये भी समझ आएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नाउन क्लोज किन किन शब्दों से बनाया जाता है, किन किन शब्दों से आप नाउन क्लोज बना सकते हैं। नाउन क्लोज को हम किन किन शब्दों से बना सकते हैं, ठीक है। तो नाउन क्लोज बनाने के लिए हम किन किन शब्दों की मदद लेते हैं, क्योंकि आपको अगर आरएस के एग्जाम में कॉम्पाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था, नाउन क्लोज बनाना होगा। तो नाउन क्लोज बनाना होगा तो आपको ये पता तो रहे कि नाउन क्लोज किन किन शब्दों से बनता है, क्योंकि अभी अपन ने जो तीन सेंटेंसेस यहाँ लिखे, ठीक है। पहला सेंटेंस अपन ने लिखा दैट ही विल कम टुमारो इज सर्टेन, तो दैट से शुरू किया, ठीक है, दैट से शुरू किया ना। दूसरा सेंटेंस अपन ने लिखा तो उसमें लिखा अपन ने कि आई नो दैट ही इज ए स्पाई, फिर दैट से शुरू किया क्लोज को। तीसरा सेंटेंस अपन ने लिखा तो उसको भी अपन ने किससे स्टार्ट किया, दैट से स्टार्ट किया, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव एनी मनी। गॉट द पॉइंट। दैट से शुरू किया, तो नाउन क्लोज जब बनाते हैं तो आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, उसे दैट से स्टार्ट करते हैं। ये दैट से शुरू हो सकता है, ये इफ से शुरू हो सकता है, ये वेदर से शुरू हो सकता है, नाउन क्लोज दैट से बन सकता है, इफ से बन सकता है, वेदर से बन सकता है, और इसके अलावा ये एनी डब्ल्यू एच वर्ड इंक्लूडिंग हाउ से भी बन सकता है। इन शब्दों की मदद से आप नाउन क्लोज बनाते हैं, दैट से, इफ से, एनी डब्ल्यू एच वर्ड इंक्लूडिंग हाउ। गॉट इट। शुड वी प्रोसीड, ठीक है। अब अपन टेकअप करते हैं कि भाई इन शब्दों से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। दैट से, इफ, दैट से तो अपन देख चुके हैं कैसे बनता है, इफ से कैसे बनता है, वेदर से कैसे बनता है, या डब्ल्यू एच वर्ड से कैसे बनता है। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, कि बहुत ही आसान काम है कि कैसे हम नाउन क्लोज बनाते हैं, क्योंकि हम नरेशन पढ़ चुके हैं। नरेशन पढ़ा ना अपन, देखिए नरेशन का एक सेंटेंस मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड,
ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड. नरेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड, यही हो जाएगा ना, एम आई राइट, ऐसा ही होगा ना. अब आप इस सेंटेंस को एनालाइज कीजिए. देखिए ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, और ये टोल्ड जो होता है ये डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं. जैसे ही टोल्ड मी ए स्टोरी, टोल्ड मी ए स्टोरी, तो मी भी ऑब्जेक्ट है और ए स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है. जैसे अपने कहा ही टॉट अस इंग्लिश, तो अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है. ही गेव मी अ बुक, तो मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है. डाइट्रांसिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. तो इस सेंटेंस में आप देखिए कि मैंने कहा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड. इस सेंटेंस में ये वर्ब है और ये वर्ब डाइट्रांसिटिव वर्ब है. ये जो मी है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दैट आई वॉज हिज फ्रेंड ये पूरा का पूरा जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. गॉट द पॉइंट? तो आप देखिए ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए आपने क्लोज लगा रखा. ऑब्जेक्ट का काम क्या करा, क्लोज है, और अगर क्लोज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा तो वो कैसा क्लोज होगा, नाउन क्लोज. तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो क्लोज बनता है वो सारे क्लोजेस नाउन क्लोजेस होते हैं. ठीक है, तो बहुत ईजी हो गया ना कि आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना, तो जो क्लोज बनेगा वो क्लोज कैसा होगा, नाउन क्लोज होगा, क्योंकि वो क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट का काम करता है वो क्लोज नाउन क्लोज होता है. गॉट द पॉइंट? चलिए देखिए इंट्रिकेटिव सेंटेंस देखते हैं. ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव. अपन इसको चेंज करते हैं फिर से, सेड सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर, ऐसे कैसे आ गया, यू आई में चेंज हो जाएगा, और डू लिव लिव्ड में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना. ही आस्क मी वेयर आई लिव्ड. देखिए बाप, ही सब्जेक्ट है, वेयर वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वेयर आई लिव्ड कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. बन गया डब्ल्यू एच वर्ड से भी, अपन ने जो लिखा ना डब्ल्यू एच वर्ड से भी नाउन क्लोज बन सकता है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से नाउन क्लोज बन गया. गॉट द पॉइंट? और चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए क्लोज भी कैसा होगा, नाउन क्लोज होगा. गॉट द पॉइंट? इसी तरह से तमाम बाकी के जितने भी नरेशन के सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस सारे कैसे बनते हैं, नाउन क्लोजेस बनते हैं. चलो एक बार अपन हेल्पिंग वर्ब वाला भी टेकअप करके देखते हैं. सी सेड टू मी आर यू ओके, देखिए चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी, या तो आप इफ लगाएंगे या आप वेदर लगाएंगे, दोनों में से एक लगाएंगे, या तो इफ लगाइए या आप वेदर लगाएंगे. ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ओके, तो देखिए इफ और आई वॉज ओके जो है ये पूरा क्लोज बन गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो नाउन क्लोज बन गया. तो नाउन क्लोज को बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि नरेशन आप जानते हैं, तो जब भी नरेशन करते हैं तो जो क्लोज बनता है वो नाउन क्लोज है. इज देयर एनी प्रॉब्लम नाउ? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन पढ़ चुके हैं, तो जितना भी अपने क्लोजेस बनाए वो सारे क्लोजेस कैसे हैं, नाउन क्लोजेस हैं. गॉट इट? शुड बी प्रोसीड. अब बात करते हैं कि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है. तो देखिए एक क्वेश्चन तो इस पर ये पूछा जा सकता है कि आई डाउट दैट ही इज ए स्पाई. ये क्वेश्चन सेंटेंस आपको दिया गया, चार ऑप्शंस बना के दे सकते हैं. पहला से ऑप्शन ये दे दिया जैसे आई डाउट दैट इज ए स्पाई, दूसरा ऑप्शन दे दिया आई डोंट डाउट दैट ही इज ए स्पाई, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन दे दिया आई डाउट इफ ही इज ए स्पाई, चौथा इस ऑप्शन दे दिया नन. मैं लिख ही देता हूं, आप लिख लीजिए विच इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है, ए बी आई डाउट इफ
if he is a spy. I suspect that he is a spy. Have you written? कौन सा सही लगता है इनमें से आपको? देखो, ये जो doubt है, ये suspect है. जब आप किसी पे संदेह कर रहे हैं, doubt कर रहे हैं, suspect कर रहे हैं, तो इसके बाद कभी भी ऐसा noun clause नहीं आता जो that से शुरू होता है. ठीक है? इसके बाद आप किसका प्रयोग करते हैं? Either if or whether. तो जहां आपने that का प्रयोग किया वो गलत है, जहां आपने if का प्रयोग किया वो सही है. एक तो कॉमन एरर में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है. आई डाउट ही if he is a spy सही है. आई सस्पेक्ट और आई डाउट दैट न्यूज इनके साथ दैट का प्रयोग नहीं करेंगे. शुड वी प्रोसीड ना? प्रोसीड करें. नेक्स्ट देखिए. आई डोंट थिंक He'll go. I think he will not go. I imagine he will not go. I don't imagine he will go. So which is incorrect? गलत को ढूंढिए इनमें से. I don't think he'll go. I think he will not go. I imagine he will not go. I don't imagine he will go. So which is incorrect? कौन सा गलत हो सकता है? देखिए दो वर्ब्स हैं, एक थिंक है और एक बिलीव है. इनके साथ जब आप नेगेटिव बात करना चाहते हैं तो मैन क्लॉज को नेगेटिव करते हैं. इनमें मैन क्लॉज में नेगेटिव का प्रयोग करते हैं. ठीक है? जबकि इमेजिन, एक्सपेक्ट और सपोज के साथ किसी भी क्लोज में नेगेटिव कर सकते हैं. थिंक और बिलीव के साथ सामान्यतः मेन क्लोज में नेगेटिव का प्रयोग करते हैं, जबकि इमेजिन, एक्सपेक्ट और सपोज के साथ मैन क्लोज या सबॉर्डिनेट क्लोज किसी में भी हम नेगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है ना? थिंक और बिलीव के साथ सामान्यतः मैन क्लोज में नेगेटिव का प्रयोग करते हैं. इमेजिन, एक्सपेक्ट और सपोज के साथ किसी भी क्लोज में नेगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं. किसी भी क्लोज से हमारा अभिप्राय है कि वो मैन क्लोज भी हो सकता है, वो सबॉर्डिनेट क्लोज भी हो सकता है. देखिए मैन क्लोज कौन सा है? ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मैन क्लोज है. अब नाउ सी, हम कह रहे हैं कि थिंक और बिलीव के साथ तो केवल किस में मेन नेगेटिव प्रयोग कर सकते हैं? मेन क्लोज में. तो आपने मेन क्लोज में नेगेटिव यूज किया तो ठीक है, लेकिन ये जो आगे वाला क्लोज है ये सबॉर्डिनेट क्लोज है. थिंक और बिलीव के साथ सबॉर्डिनेट क्लोज में हम सामान्यता नहीं करते. ठीक है? इमेजिन के साथ आपने सबॉर्डिनेट क्लोज में किया वो भी ठीक है, और आपने मेन क्लोज में नेगेटिव यूज किया तो वो भी ठीक है. हैव यू गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ गई मेरी आपको? दैट्स द आंसर. तो ये था नाउन क्लोज. नाउन क्लोज बस छोटा था ये सारी चीज़ें थी. बस ये दो तीन तरह के क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जा सकते हैं. अब अपन टेकअप करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रिलेटिव क्लोज. अपन थोड़ा सा इसे इंट्रोड्यूस करते हैं,
बाकी डिटेल में हम कल टेकअप करेंगे. रिलेटिव क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंग्रेजी समझने के लिए भी, अंग्रेजी सही अंग्रेजी लिखने के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही. जब भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो यू विल फाइंड दैट देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, खूब सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको वेल रेड पीपल, वेल रेड पर्सनैलिटीज जो हैं वो भी आप देखेंगे कि उनकी भी रिलेटिव क्लोज की कितनी ही प्रॉब्लम्स आपको देखने को आएगी पढ़ने के बाद में. ठीक है, तो लेट अस टेक अप द हेडिंग रिलेटिव क्लोज. देखिए एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा, राम हु लिव्स इन जयपुर इज माई फ्रेंड. राम हु लिव्स इन जयपुर इज माई फ्रेंड. अपन कुछ बेसिक चीजें, कुछ टेक्निकल टर्म्स यहां पर देखते हैं कि क्या क्या होता है. देखिए यहां से यहां तक का रिलेटिव क्लोज है. ये रिलेटिव क्लोज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है राम हु लिव्स इन जयपुर इज माय फ्रेंड. तो ये रिलेटिव क्लोज किसकी विशेषता बता रहा है? राम की. रिलेटिव क्लोज हमेशा ऑलवेज अपने से ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. जब भी आप रिलेटिव क्लोज यूज करेंगे तो अपने से ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. तो देखिए इस रिलेटिव क्लोज से पहले प्रोनाउन नाउन क्या है? राम है. तो जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं. उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं. रिलेटिव क्लोज हमेशा अपने से ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. केवल दो की विशेषता बताता है, आइदर ऑफ ए नाउन और ऑफ ए प्रोनाउन. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं. ग्रामर में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. और इसलिए ओल्ड बुक्स जो देखेंगे तो रिलेटिव क्लोज का नाम भी आपको एडजेक्टाइवल क्लोज मिलेगा. लेकिन आज की डेट में अपने से क्या काम में लेते हैं नाम? रिलेटिव क्लोज. तो रिलेटिव क्लोज अपने से ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं. गॉट द पॉइंट? रिलेटिव क्लोज जो भी होता है उसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है. उस प्रोनाउन को अपन क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन. गॉट द पॉइंट? देखिए अपन ने जो चीजें की उसको मैं रिकैप करवा रहा हूं. पहली चीज ये है कि रिलेटिव क्लोज जो होता है वो केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. ठीक है, और रिलेटिव क्लोज से ठीक पहले वाला नाउन या प्रोनाउन जिसकी ये विशेषता बताता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं. गॉट द पॉइंट? तो वो क्या कहला रहा है? एंटीसीडेंट. रिलेटिव क्लोज जो भी होता है उसमें एक प्रोनाउन होता है, उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. गॉट द पॉइंट? अब हम नेक्स्ट चीज टेकअप करते हैं कि रिलेटिव क्लोज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, देखिए आप, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लोजेस. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लोजेस. नंबर वन, टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लोजेस, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज, और इसी का दूसरा नाम है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. और दूसरा होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज. और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. Got it?
अब आज अपन यही ड्रॉप करते हैं, बाकी ये कल टेकअप करेंगे.